सहरसा में अब नशे के कारोबारियों को लोग चिन्हित कर रहे हैं। गांव के लोग तन तबाह होने के बाद एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी को शराब कारोबारियों और उनके संरक्षकों का नाम बता रहे हैं, लेकिन पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिले के महेनी थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलहर पंचायत के पोखर भिंडा गांव के वार्ड नंबर 13 के वार्ड सदस्य माहेश्वर साह कोशी रेंज के डीआईजी शिवदेव लांडे और एसपी लिपि सिंह से मिलने पहुंचे। उसके साथ उनके ही गांव के कई दर्जन महिला पुरुष भी डीआईजी और एसपी से मिलने पहुंचे। सभी अपने वार्ड गांव समेत पूरे पंचायत में शराब समेत नशे के कारोबार में संलिप्त कारोबारियों और उनके समर्थकों के नाम को चिन्हित कर लिखित शिकायत दर्ज कराना चाहते थे। साथ ही नशे के कारोबारियों और उनके संरक्षण पर कार्यवाही की गुहार लगाई है। हम 10 साल से अखन पंच जा रहे हैं बिना इलेक्शन के। हमरा वार्ड में आए तो झगड़ा की विवाद कोई तरह के नहीं भेले। आ ई सब जे एले या बम्बई से कमा के चाहता पांच दस आठ दिन झा भेल ई की ना छे वेतन झा के पम पम झा भेल गुडलू झा रणजीत झा ई सब जे दिन से एले हमरा वार्ड में वही दिन से पूरा समाज के बेघर कने जा रहा है बर्बाद कर। की नाम भेल अहाँ? हमर नाम भेल कुशेश्वर सदा। इकट्ठे हुए हम लोग एकत्रित हुए जो हमारा गांव देहाती सुदूर एरिया है, गरीब की बस्ती है, हरिजनों की बस्ती है, जहाँ हमारे गांव में नशा खोरी का इतना चरम सीमा इंसान को जीना दुर्लभ। वहाँ गाजा कोरेक देसी दारू जगदीश साव द्वारा बेचा जाता था, जिसके विरुद्ध में समूचा ग्रामीण तंग आके उस गांव में यह स्थिति है जो बेटा कोरेक्स की आदत में बेटा बाप को बाप समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अशांत होके समूचा समाज के द्वारा जनप्रतिनिधि को जो चुने थे महेश्वर साहु के द्वारा 23/7/2022 को पुलिस तेलहर पंचायत के अंतर्गत पोखर भिंडा गांव वार्ड नंबर 13 में महेश्वर साहु वार्ड सदस्य हैं, उपमुखिया भी थे। वो नशाखोरी बंद कराने का आवाज़ लगाया, जिनके विरुद्ध में झूठा मुकदमा किया गया उन लोगों पे। गांव अशांत है, बच्चा बर्बाद हो रहा है, बच्चा का भविष्य खतरा में जा रहा है। 4-5 माफिया है जिसमें रंजीत झा, जितेंद्र झा, कारी झा उर्फ अरविंद झा, ये सब लोग ये कारोबार करवाते हैं जगदीश शाह से। क्या नाम हुआ? हाँ, मोहन शाह। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरकांत शाह। क्या मामला? हमको झूठी केस करके जगदीश शाह दारू तारी गाजा बेच के आ गुजर करते हैं, आ मुसहर के आ रन झा के आ मनोज मुखिया के आ एने सौ के आ एने बलराम सौ के झूठे में हमको फंसाया है, केस में फंसा दिल गया। केस में फंसाया है हमको। 3 महीने रहे देते हैं बस्ती में महसी थाना की पुलिस। की नाम भेल अहाँके? की नाम? हमको नाम भेल गुलाब देवी। महसी थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलहर पंचायत में पोखरभिंडा गांव है, जो मुरादपुर पंचायत से सटा हुआ चौतारा पोखरभिंडा एक ही गांव है, बीच गांव में सीमा पड़ता है। और वहां पूर्व मुखिया बलराम पासवान के साथ कुछ लोगों ने गाली गलौज और धक्का मुक्की किया, तो बलराम पासवान अपना मुकदमा दर्ज करवाए महसी थाना में जाकर, जिसका केस नंबर 353 है। और उसी केस के अभियुक्त के द्वारा पोखरभिंडा गांव के जगदीश शाह को आगे करके एक झूठा मुकदमा वहां के गणमान्य लोगों, पूर्व मुखिया, पूर्व उप मुखिया जो उस वार्ड के वार्ड सदस्य भी हैं, इन लोगों पे 5 लोगों पे मुकदमा झूठा करवा दिए, जो बिल्कुल झूठा मुकदमा, कोई घटना घटा ही नहीं, थाना अध्यक्ष पैसा लेकर के झूठा मुकदमा कर दिया। उसी झूठे मुकदमा को वापस करवाने के लिए हम लोग आज डीआईजी साहब के यहाँ आए हैं, एसपी मैडम से भी मिले हैं, तमाम लोग गांव के लोग आए हैं, हम लोग परेशान हैं। एक बिहार सरकार की ज़मीन है, उस ज़मीन में एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, वहाँ अगर हम गरीब लोग धान का समय है पुआल को रखते हैं, धान को रखते हैं, तो तुरंत पुलिस का नोटिस मिल जाता है। सरासर अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ और झूठा। कितने लोग हैं आप लोग ऐसे पीड़ित? कितने लोग हैं?
अभी तो 5 लोगों को पुनः नोटिस किया गया है, वो धान का पुआल जो रखा हुआ था और धान रखा हुआ था उनको, उसके अलावा 5 लोगों पे मुकदमा किया।